रोमन कैथोलिक धार्मिक सिस्टर और मिशनरी थी। उनका असली नाम था एग्नेस डॉन्सा और उनका जन्म स्कोपिया में हुआ था, जो अब मैसिडोनिया गणराज्य की राजधानी है। उनका परिवार अल्बानिया वंश का था। उन्होंने करीब 100 देशों में मिशनरियां यानी कि धर्मार्थ के केंद्र खोले थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन कोलकाता में रहकर बीमार और गरीबों की देखभाल में बिताया। उनकी सेवा भावना से 1997 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। लेकिन क्या ही उनके बारे में पूरी सच्चाई थी? उनके जीवन के कुछ अज्ञात पहलुओं का पता चला है जो कि चौंका देने वाले हैं और बहुत ही कम लोग उनके बारे में जानते हैं। पहला, उन्होंने भगवान पर अपना संपूर्ण विश्वास 50 साल पहले ही खो दिया था। मदर टेरेसा भगवान की ओर जाने की अपनी यात्रा शुरू करने से पहले भगवान पर पूरा पूरा भरोसा रखती थी। उन्होंने महसूस किया था कि भगवान उन्हें लगातार सपने और दृष्टियों के रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद ही ये सपने आने बंद हो गए, जिसके बाद उनका विश्वास भगवान से डगमगा गया। इन बातों का पता उनकी खुद की लिखी पत्रों और डायरी द्वारा चला है। ये पता चला है कि 1947 से उनके मरने तक उन्हें फिर भगवान पर कभी पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। ऐसे ही एक पत्र में उन्होंने लिखा है, उन्हें लगता है कि मेरा भगवान पर पूर्ण विश्वास है, वे मेरी आशा है और उनके प्रति प्यार मुझ में भरा है, पर काश वो सच्चाई जानते। ऐसे ही एक और पत्र में लिखा है, मेरी आत्मा तक मुझे भगवान के खोने का दर्द है, मुझे लगता है कि भगवान मुझे नहीं चाहते, कि भगवान भगवान है ही नहीं और वो कहीं मौजूद नहीं है। एनएसए ने छुपा रखी है मदर टेरेसा के बारे में जानकारी है। यदि आप एनएसए से मदर टेरेसा के बारे में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के द्वारा जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे तो वे आपके निवेदन को ये कह के ठुकरा देंगे कि मदर टेरेसा पर उपलब्ध इंफॉर्मेशन टॉप सीक्रेट है। एक वेबसाइट theblackworld.com ने ऐसी जानकारी पाने की कोशिश की थी, जिसे ठुकरा दिया गया। आप चाहें तो एनएसए से वापस आए साइन लेटर के ओरिजिनल कॉपी पढ़ सकते हैं, जिसमें साफ लिखा है कि मदर टेरेसा से जुड़ी जानकारियां टॉप सीक्रेट हैं। आप इस फाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। जाने ऐसी क्या जानकारियां हैं मदर टेरेसा के बारे में जिन्हें छुपा के रखने की जरूरत पड़ रही है? उनके ट्रस्ट में आए पैसों का हिसाब, बीमारों की देखभाल करने के लिए उनके द्वारा खोले गए मिशन के बारे में वहां के डॉक्टरों ने कहा है कि वो बड़े ही खस्ता हालत में है। संस्था को कई करोड़ रुपए दान में मिलते थे, पर इसके बावजूद मिशन कैंपों में दैनिक जरूरतों की चीजें भी नहीं थी, जैसे कि साफ सफाई, पीने का स्वच्छ पानी, खाना और छोटी मोटी दवाइयां। जितने भी डोनेशन आते थे सबको सीक्रेट अकाउंटों में रखा जाता था। और भारत में इतनी सारी आपदाओं के बावजूद मदर टेरेसा के ट्रस्ट ने कभी भारत की आर्थिक मदद नहीं की। मदर टेरेसा मरते हुए लोगों का बैप्टिज्म करवा देती थी। मदर टेरेसा अपनी मिशनरी में काम करने वालों से मौत के करीब लोगों का बैप्टिज्म करने के लिए कहती थी। बैप्टिज्म एक ऐसी रस्म है जिससे करने का मतलब है कि आप ईसाई धर्म को मान लेते हैं। मौत के करीब लोगों से पूछा जाता था कि क्या उन्हें मरने के बाद स्वर्ग जाना है। उनकी हामी के बाद वे गीले कपड़े से मरते हुए लोगों का सर पहुंचने के बहाने चुपचाप उनका बैप्टिज्म कर देते थे। इन बैप्टिज्म के बारे में किसी को नहीं बताया जाता था, क्योंकि मिशनरी में काम करने वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोग का ईसाई धर्म में बैप्टिज्म कर रहे थे। अगर ये बात फैल जाती तो हिंदू और मुस्लिम जो दोनों ही अपने धर्म के प्रति कट्टर होते हैं वे मिशनरी पर हमला बोल देते। ये सारे आरोप सच भी हो सकते हैं और झूठ भी। अगर ये सच हैं तो इन्हें आप बताना नहीं चाहिए, क्योंकि मदर टेरेसा काफी लोगों के लिए आदर्श हैं। और अगर